वेलकम यू ऑल। आज हम सभी लोग सरफेस एरिया ऑफ कोन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्यूब क्या है, स्फीयर क्या है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, उन सभी के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि हम किस तरीके से उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें निकालने वाले हैं। ठीक है ना। अभी मैंने बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मुझे कम्प्लीटली आपको ये पूरे अच्छे तरीके से एकदम समझा देना है कि कोन कैसे बनता है, इसका किस तरीके से हम कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी वॉल्यूम या कोई भी वैल्यू लिखने वाले हैं तो कैसे करेंगे। तो आप सभी लोगों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड की ही तरफ होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक बार ध्यान लगा के समझेंगे तो आई होप आप सभी लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं आप सभी लोगों से पहले पूछना चाहूँगा कि आपने कोन कहाँ पर देखा है या कोन जैसा जो ऑब्जेक्ट होता है वैसा आपने कहाँ पर देखा है। चलिए मैं आपको याद कराता हूँ। आपने आइसक्रीम अगर खाई होगी तो इसी तरीके के कोन्स में खाई होगी। आइसक्रीम के लिए कोन ऐसा ही आपने देखा होगा कि हाँ, इसमें आइसक्रीम डाल दी गई है और फिर आप ऐसे खा रहे हैं ना, ये कोन ही तो है। अगर आपका बर्थडे है तो आप इस तरीके के कैप अपने सर पे लगा लेते हैं, बर्थडे है आपका तो इसको अपोजिट करके लगा दे उल्टा करके ना, ऐसे ही शेप्स को क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है। तो उसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। जी हाँ, उसके बगल में आप एक सर्कल भी देख रहे होंगे। ये सर्कल मैंने क्यों बनाया है, और यहाँ पे एक सेक्टर बनाया है, एक्स ओ वाई छोटा वाला और एक्स ओ वाई एक बड़ा वाला। ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ इसी सर्कल के थ्रू और आप ध्यान से समझेंगे। पहला, मैं यहाँ पे तो वैसा नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने आपके सामने ऑब्जेक्ट कट करके ही लाया हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। अगर यह एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, अगर ये एक कंप्लीट सर्कल था या है अभी भी अगर आपको दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपको एक कंप्लीट सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा। इस कंप्लीट सर्कल का ही ये क्या है, एक पार्ट है। आप कंपेयर करेंगे, सोचेंगे कि ये पूरा एक सर्कल है और उस सर्कल का ये एक छोटा सा क्या है, ऐसे पार्ट है। इस छोटे से पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया है, अभी बड़ा वाला रख दे रहा हूं, छोटे से पार्ट को मैंने बाहर निकाल लिया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस छोटे से पार्ट को इस कॉर्नर के अराउंड, इस कोने, ये ओ है, ये पॉइंट क्या है, ओ है आपका। जैसे यहां पर ओ लिखा है तो इसको आप ओ मानिए, इसको आप एक्स मानिए और इसको क्या मानिए, वाई। इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो ये थोड़ा छोटा है तो आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अभी मैं बड़े वाले में करके दिखाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको जो शेप चाहिए था वो मिल चुका है, अब आपको कोन चाहिए था तो कोन आपको मिल गया है। देखिए जरा, कोन मिला है या नहीं, बिल्कुल जैसे बगल में मैंने उधर बनाया है, ये कोन है कि नहीं है, आप खुद से बताइए ये कोन बना या नहीं। देखिए, नीचे वाला जो बेस एरिया है वो एक सर्कल के फॉर्म में बन गया है, ये देखिए बिल्कुल एक सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है। मैं थोड़ा इसको चिपका नहीं पा रहा हूँ, बट आपको समझ लेना है कि ये सर्कल के फॉर्म में बना है और ये कम्प्लीटली क्या है, कोन है, बिल्कुल बना है। अब मैं इसी चीज़ को बड़े वाले सेक्टर से समझाना चाहूँगा। जो सर्कल का बड़ा वाला सेक्टर था, जो बड़ा वाला सेक्टर था, आप ये वाला देख पा रहे हैं ना, ये वाला सेक्टर, बिल्कुल कंपेयर करिए ना। अब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये देखिए, कोन बना या नहीं। तो पहले वाले कोन में और दूसरे वाले कोन में आपको क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है, आप स्वयं बताइए। ये देखिए सर्कल, अब आपको दिखेगा भी कि एक सर्कुलर इसका बेस है, सर्कुलर पूरा बेस है और इसकी ये हाइट हो गई। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे। तो समझने की कोशिश करिए आपको दोनों कोन में क्या फर्क दिखाई पड़ रहा है, बेस एरिया का ही दिखाई पड़ रहा होगा और कुछ कुछ नहीं दिखेगा, बेस एरिया ही छोटा दिखेगा और एक का बड़ा दिखेगा। चलिए, तो एक चीज हम लोग समझ तो गए ये बात कि हमें कोन बनाना कैसे है, कोन कैसे बनेगा, सर्कल के सेक्टर से बनता है। अब मैं इस सेक्टर को बाहर निकालने वाला हूं जिसको मैं कलर करने जा रहा हूं, शेडेड एरिया जो है इसको मैं बाहर निकालने वाला हूं, और बाहर निकाल के इस शेडेड एरिया को बाहर निकाल के ये कोन मैंने बना दिया जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अब मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा उसी में फिर से देखना है, तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को। इसका मैंने एक कोन बना दिया। तो आप मुझे ये बताइए, जो बेस एरिया बना है वो आपको क्या बना दिखाई पड़ रहा है, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है, ये आर है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए बी,
ध्यान से देखना है, डेरिवेशन तभी समझ में आएगा। ए बी क्या है, एक सर्कल है। इसी ए बी को जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, अब इसको मैं एकदम ऊपर लिफ्ट करके बना रहा हूँ, ऐसा आपको दिख रहा है ए बी। आप मुझे ये बताइए, यही छोटा वाला सेक्टर है, इसी को मैंने काट के बाहर निकाला है और इसको मोड़ के जब बना रहा हूँ तो यही बेस एरिया बन रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, ये वाली जो लेंथ है, ये जितनी मैं कलर करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये ब्लैक से जो मैं बॉर्डर कलर कर रहा हूँ, ब्लैक से जो मैंने बॉर्डर कलर किया है, इसी को आपको ध्यान से देखना है। ये जो मैंने ब्लैक से बॉर्डर कलर कर दिया, ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता कि यही सर्कल में बदला हुआ है? देखिए गौर से, ब्लैक वाला जो हमारा बॉर्डर है वही सर्कल में बदला है ना, वही तो नीचे का सर्कल बना रहा है। मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल बना है, ये बेस सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो यही वाला जो लेंथ है, ये वाला ये पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। बहुत बढ़िया, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। मतलब यही जो मैंने अभी कलर किया था, यही क्या हो गया आपका, 2πr। ये क्या हो गया, 2πr। ox और oy के बारे में आपका क्या ख्याल है, ओ एक्स और ओ वाई क्या बनने वाला है? ओ एक्स और ओ वाई बनने वाला है आपका स्लैंट हाइट, एल एच नहीं, मैं स्लैंट हाइट की बात कर रहा हूं। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, एक सीधी ऊंचाई होती है और एक कैसी होती है, तिरछी ऊंचाई होती है, तो उसका नाम क्या हो गया, तो ओ वाई और ओ एक्स आपका क्या होने वाला है, एल। सीधा सीधा एक मतलब है कि अगर हमको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, हमको इस कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो हमको ओ एक्स वाई चाहिए। ओ एक्स वाई का टोटल एरिया क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर आप ये पता लगा ले तो आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बोर्ड बिल्कुल खाली है आपको समझाने के लिए बस। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इस सर्कल को, ये तो बेस एरिया आपको समझ में आ गया, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इस सेक्टर को बाहर निकाल रहा हूँ, ओ एक्स वाई। बहुत अच्छे, ध्यान से समझते रहिए, मैं ओ एक्स वाई को निकालूँ, ये मैं सर्कल ही बना रहा हूँ वही वाला, बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं ओ एक्स वाई को समझाना चाह रहा हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, ये एल हो गया, ये हमारा 2πr हो गया। कहाँ से कहाँ तक, ये वाला केवल 2πr है, क्योंकि यही किस में बदला है, बेस एरिया। अच्छा, अगर मैं पूरे की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, 2πl ना, पूरे की अगर मैं बात करूं, पूरे, क्योंकि उसके लिए रेडियस क्या है, l है ना, तो पूरे के लिए आप क्या लिखेंगे, 2πl। बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। चलिए, मैं क्या करता हूं, ओ एक्स वाई को एक छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करता हूं, बहुत छोटा छोटा ट्रायंगल। अब आपको लगेगा कि ये सर कैसे ट्रायंगल बन रहा है, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसका नाम B1 दे दूं, B2 दे दूं, B3, मतलब जो ये ट्रायंगल बना है, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स में नहीं डिवाइड हो गया? देखिए, ये एक ट्रायंगल ही तो है, ऐसे बना हुआ है ना, देखिए ऐसे B1, फिर दूसरा वाला ऐसे बना हुआ है, और ये है B2, ऐसा ही बना है ना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कर्व है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इसको एकदम छोटे 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 एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, जितने छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं आप उसमें करिए। तो ये धीरे धीरे आपको एक एकदम फाइन ऐसे लेंथ में मिलेगा, जिसमें ये B1 आप लिखेंगे और ये L लिखेंगे। तो किसी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, हाफ बेस इनटू हाइट, यही लिखते हैं ना, सॉरी, हाफ बेस इनटू हाइट, यही फॉर्मूला आप लिखते हैं ना। ये क्या है, 90 डिग्री है ना, सर्कल का रेडियस यहाँ पर तो 90 डिग्री बनाता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका एक और तरीका होता है फॉर्मूला डिराइव करने का, बट पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया आप क्या लिखेंगे, हाफ बेस यानी B1 इनटू हाइट क्या लिखेंगे, L।
ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू एल। फिर तीसरे वाले ट्रायंगल का हाफ बेस थ्री इंटू हाइट इंटू एल। ऐसे ही आप अगर एन ट्रायंगल्स में बांटेंगे, छोटे छोटे एन ट्रायंगल्स में बांटेंगे, तो हाफ बेस एन इंटू एल, और उन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, डॉट 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 डॉट, सॉरी आप ऐसे डॉट डॉट लगाइए यहाँ पे, और उन सबको जोड़ दीजिए, तो आपको हाफ एल कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर प्लस डॉट 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 बी एन। यहां तक समझ में आया? आप मुझे ये बताइए, ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स बी सेवन, ये सभी अब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, टू पाई आर, यानी हाफ इंटू एल, और ये क्या हो गया, टू पाई आर। तो टू टू गेट कैंसिल्ड, व्हाट इज रिमेनिंग, पाई आर एल। बहुत बढ़िया, तो क्या बचा भैया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। सरफेस की जगह आप ये मेंशन कर दीजिए कर्व्ड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट पाई आर एल। फॉर्मूला समझ में आया, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कोन, बेस बेस एरिया का रेडियस हो गया, और एल क्या हो गया आपका स्लैंट हाइट, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। यहां तक समझ में आया? अगर किसी को कोई और दिक्कत हो तो समझने में आप मुझे बताइए। बाय द वे एक तरीका और है, हम उससे भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उससे भी डिराइव कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको दूसरे टाइप वाला डेरिवेशन समझना है तो मैंने यहां पर कैसे लिखा है आप देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छा है ये भी समझने के लिए। ये यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, एक एक नियम आपको पता है ना, इस तरीके से लगाएंगे कि दो रुपए में दस आम मिलता है तो दस रुपए में कितना मिलेगा, ऐसे आपको समझना है। तो जरा देखिए, यहां पर मैंने ए लिखा है, ए डैश लिखा है। ए डैश मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ए डैश का मतलब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये हमारा ए डैश है, और ए मतलब हम कंप्लीट एरिया को बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ए मतलब मैं कंप्लीट एरिया की बात कर रहा हूं, तो कंप्लीट एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। कंप्लीट एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, कंप्लीट एरिया आपको मिल पाने के लिए आपको टोटल कितना सर्कमफेरेंस चलना पड़ रहा है, टू पाई एल। अगर मैं कहूं पाई एल स्क्वायर चलना है, तो पाई एल स्क्वायर चलने के लिए हमको पेरीमीटर कितना चलना होगा, टू पाई एल। ठीक है, 2πL चलूंगा, 2πL कंप्लीट चलूंगा तो हमको एरिया मिलेगा पाई एल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहां पे L है। तो मैं अगर इतना ही पेरीमीटर चलूं 2πR, यानी केवल मैं अगर इतना पेरीमीटर ही चलूं तो मुझे कितना एरिया चलना पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन हुआ। दस रुपए में 50 आम, ध्यान से देखिए, 10 रुपीज में 50 मैंगो, तो 2 रुपीज में कितना, अब आप मुझे बताइए आंसर आप कैसे निकालेंगे। 10 रुपीज में 50 मैंगो है, तो 2 रुपीज में कितना आएगा, 1 रुपीज में 5 मैंगो हो जाएंगे, 2 रुपीज में 10, तो आप क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10। पहले आप क्या करेंगे, एक रुपए में कितना मैंगो मिलेगा वो निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10, और फिर जो प्राइस आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल मिल जाएगा 10, 5 जा 50, 5 2 जा 10 मैंगोज मिलेंगे। वही सेम काम आपको यहां करना है, और आप करके देखिए, हमको ये एरिया चाहिए ना, यही एरिया चाहिए, तो ये एरिया निकालने के लिए मैं लिख दिया ए डैश, हमको ये चाहिए, तो ये के लिए कितना चलना पड़ेगा, पाई एल स्क्वायर। ये एरिया मिल रहा है हमको तब जब मैं 2 पाई एल चल रहा हूं, लेकिन हमको कितने पे चाहिए, केवल 2 पाई आर पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वही चीज है, सोच के देखिए, ये है 50, ये है 50, यहां पे देख कंपेयर करिए, ये 50 है डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड, फिर हमें कितने के लिए चाहिए, 2 रुपए में चाहिए, तो 2 पाई आर में चाहिए, तो यहां क्या कर देंगे, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, बचेगा क्या, पाई एक L यहां पे और यहां पे पाई R L। तो आई होप आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो
स्टेटमेंट कहने का फर्क है। स्टेटमेंट अगर आपको कहना है तो मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूँ आपको कैसे कहना चाहिए। इस कंप्लीट सर्कल का एरिया, इस कंप्लीट सर्कल का एरिया है पाई एल स्क्वायर, उसका एक छोटा सा पार्ट है तो ये इसका कितना गुना है, टाइम्स है, मतलब ये छोटे वाले का ये बड़ा वाला सर्कल कितना गुना है। आप ऐसे ही तो ये टेंथ में आपको सेक्टर जो सर्कल का होता है उसमें भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। अल्टीमेटली आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको एक व्यू मिला होगा कि हमारा कोन कैसे बनता है। कोन ऐसे नहीं बनता। अब मोस्टली आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, ऐसे पेपर रखा है तो पेपर को पकड़ा, ऐसे फोल्ड कर दिया, बता दिया कि ये कोन है। बिल्कुल ये कोन है, लेकिन कोन की शेप जैसा दिख रहा है, बट क्या ये सर्कुलर है, इसको आपको कट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आता है, सर्कल के सेक्टर से, सर्कल के एक डेरिवेशन से, जो मैंने अभी बताया था। एक बार फिर से लास्ट में मोमेंट पे दिखा दे रहा हूँ, ये कंप्लीट हमारा सर्कल था, इसको मैंने आप सभी लोगों को समझाने के लिए पहले से ही कट करके रखा था। ये हमारा एक कंप्लीट सर्कल था और उससे ये मैं छोटा सेक्टर कट के निकाला हूँ और उस छोटे सेक्टर का एक कोन बनाया, और इसी कोन को बनाने के बाद, इस कोन को बनाने के बाद हमारे लिए इसी कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रहे मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने ये पूरी टेक्निक लगाई है, एंड यू आर गेटिंग द फॉर्मूला पाई आर एल। नाउ वी कम टू द वॉल्यूम। अभी हम लोग इसका डेरिवेशन कर लिए हैं, तो वॉल्यूम अगर मैं अभी आज के लिए फॉर्मूला लिख दूँ, अगर क्योंकि हमें क्या है कि सिलेबस में ज़्यादा डेरिवेशन शायद इसका तो अब में नहीं है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ में आ गया, एच क्या है, आर क्या है, एल क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये सब होते क्या हैं। ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, वो मैं इसी में समझा देना चाह रहा हूँ, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल ओएबी को जरा आप गौर से देखिए, ट्रायंगल ओएबी को, अगर ट्रायंगल ओएबी को गौर से आप देखेंगे तो अगर मैं इसको बाहर ही निकाल लूँ इस तरीके से ओएबी को, तो ये हमारा ओएबी है, तो इस ओएबी को अगर बाहर निकाल लूँ तो ये 90 डिग्री है, ये ए है, सॉरी नहीं नहीं ओ, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये एल है, ये एच है, ये आर है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आर रेडियस बोल रहा हूँ, बेस एरिया ऑफ सर्कल की, ये एच हाइट है, वर्टिकल हाइट है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये कोन का वर्टेक्स है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, शंकु की, शंकु का शीर्ष है। ठीक है ना, ओके, ये हमारा एल है, स्लैंट हाइट। आप मुझे बताइए कौन सा थ्योरम लगाने वाले हैं आप, पक्का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि उसमें हमको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर एल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, क्या मिलने वाला है आपको, एल की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन्हीं दोनों फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर एच दिया होगा, आर दिया होगा तो हम एल निकाल लेंगे, अगर एल दिया होगा, आर दिया होगा तो हम एच निकाल लेंगे, और अगर एच और एल दिया है तो हम आर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तीनों में से, इन तीनों में से कोई भी दो हमको दिया होगा, थर्ड हम फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में रख के हम सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले में रख के हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक चीज और बचती है, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बात करूं तो ये पाई आर एल हम पता लगा चुके हैं, बेस एरिया सर्कल भी इसी में ऐड हो जाएगा, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमको मालूम ही चल गया है, कर्व सरफेस एरिया हमको मालूम ही चल गया है, बस हम अगर बेस एरिया और इसमें ऐड कर देते हैं, बेस एरिया अगर और ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एंड टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट पाई आर, आप कॉमन ले लीजिए, पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर। आप सोचेंगे कि मैं इतने फॉर्मूले को इतने कंजेस्टेड जगह में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि एट द लास्ट मोमेंट आप खुद ढूंढें कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैं बोर्ड इसलिए साफ नहीं करता, हो सकता है प्रीवियस वन आपको समझने में बार बार दिक्कत लगे, लास्ट मोमेंट में आप सारी चीज़ को, पिक्चर को एग्जाम रख सकते हैं। क्या मैंने बताया, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस, ध्यान रहे कर्व सरफेस, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना,
ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व में न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इस तरीके से आपका कोन खत्म होता है और हम लोग अब आगे करेंगे फ्रस्टम। ये देखिए इस तरीके के से मैंने काटा था सर्कल में से, ठीक है ना, इस सर्कल को काट के आपको समझाने के लिए। तो आप भी ऐसे एक्टिविटी बेस्ड स्टडी को करने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहें और इन सभी कोन में जाके अब आइसक्रीम खा सकते हैं आप सभी लोग। अच्छा, इनको अगर ऐसे सभी कोन्स को मैं सटा दूं और ऐसे और सारे कई कोन ले लूं तो एक बढ़िया डिजाइन तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोन को समझिए, इनके बेस एरिया को समझिए। ओके, थैंक यू सो मच। कंप्लीट वीडियो देखा करिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और शेयर भी किया करिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।